डेमन हंटर एपिसोड 16 लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रियल डेमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट शुरू हो गया एंड आने वाला खतरा न्यू डेमन को भी। एंड ये एपिसोड शुरू होता है उसी प्लेस से जहाँ चुआंग और यान सबको काट रहे हैं। एंड यान एक लड़की को बचाते हैं जो उससे झुककर बार बार थैंक्स कहती जाती है, जिससे मालूम पड़ती है वो कितना डरी हुई है। एंड यान उसे कहता है तुम थैंक्स बोल सकते हो बट झुका मत, और उसे जाके रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी आगे देखने जाएगा। लेकिन वह चुआंग आके उसे रोक के खुद आगे के लिए चले जाते हैं, जहाँ प्रिजन से वो सभी फीमेल को आज़ाद करती है। एंड लास्ट लड़की थोड़ा सस्पिशियस होती है जो उठ नहीं पाते। एंड चुआंग उसे उठाते हैं, जहाँ फिर से वो अजीब वे से बिहेव करने लगती है, लाइक उसे बचाने के लिए थैंक्स बट उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बट उसके बॉडी सौंप सकते हैं, समझ रहे हो ना आप। उसके बाद कियो को देखने को मिलता है जो बाहर गार्ड कर रही है, और तभी उसे एक लड़की की चीखने आवाज आती है एंड वो तुरंत उस तरफ जाते हैं। एंड वो खुद भी उस लड़की का पेन नहीं सह पाते है, और साला मोटा बे नशे में उस लड़की को चुआंग इमेजिन करके जानवर जैसा पीट रहा है। एंड फाइनली क्यूए धासु एंट्री वहां लेते हैं, जिसे देखकर मोटा बे डर जाते हैं और बेवे को बुलाते हैं। एंड क्यूए उस लड़की को रस्सी से उतार के पील को देख के और गुस्सा होकर पहले पूरे घर को जला देते है, और मोटा बे को जान से मारने के लिए एरो छोड़ देते है, जिससे बेवे रोक लेता है। एंड ब्रो एक ऑसम वे में क्यूए को इस बार शाइन करने की मौका मिलता है, जहां उसका और बेवे का बैटल होता है, लेकिन उसका मेन फोकस मोटे बे को मारना होता है। बट वी नो ऑलरेडी बेवे इज पावरफुल, जहां उसके अटैक से क्यूए को एक काट लगते हैं, जहां वो बोल दे हम सब ओमेन है सो तुम कैसे अदर ओमेन को एब्यूज होते हुए देख सकते हो, जहां वो बोलती है तुम्हें अंदर ही उसे मारना चाहिए था। तभी क्यूए कहती है गेंडा आज जहां पर ही क्यों ना हो मैं उसे मारूंगा जरूर, और उसके पावर प्रायरी एक्टिव करके बेवे को अटैक करते हैं, जिससे वो ब्लास्ट होके घर के अंदर जाते हैं। एंड क्यूए आके मोटे गेंडे पर निशाना तान देते हैं, जो वह घोड़े लेकर फरार हो रहे हैं। लेकिन एंड वक्त पर बे आके सारे अटैक को डिफेंस करते हैं, और मोटा गेंडा उसे बोलता है तुम्हारे जान भी चले जाए तो भी उसे आने मत देना, और वो भागते हैं। और तभी बेवे फाउंडेशन टेक्निक 8 डेमन किल पर पावर अप होते एंड अटैक के लिए आते हैं, जहां क्यूए दो एरो छोड़ के ऊपर फ्लोट करके 5 स्ट्रिंग फ्लाइंग फ्रॉस्ट से बाईवे को फ्रीज करके मिस्टर बाई को पीटने चाहते हैं, जहां मोटा कहता है अगर तुम मुझे कुछ करोगे तो मैं मैंग फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो थोड़ा सा सोच में पड़ते हैं, और पीछे से बाईवे आते हैं एंड मोटा फायदा उठा के वहां से भाग जाते हैं फिर से। एंड बाईवे कियो को अटैक करते हैं बट उसके ऑरा से टकरा के उसका हालत खराब होते हैं। एंड क्यूए कहते हैं अगर चुआ ना होता तो गर्दन उड़ाने में नहीं हिचकिचाता। एंड बाईवे को लटका के वो फ्लाइंग स्टार मून इन द स्काई पावर यूज करते हैं, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक है, वो हमें मालूम पड़ते हैं भाई साहब। उस अटैक से भाई का गाड़ी एकदम से पलट जाते हैं, और वो भी इतने दूर अटैक के बावजूद। एंड इससे तो हमें क्यूए का पावर का अंदाजा मिलता ही है। और उसके बाद यान सोचते हैं डेमन क्लान को कौन मदद कर रहे हैं, क्योंकि फर्नेस बहुत ही एक्सपेंसिव है। उतने में एक अटैक आते हैं जिससे यान रोकते हैं, एंड एंट्री होते हैं बोन डीलर का यानी मेन डेमन का। साला आते ही बोन का स्वादा करने लगते हैं, और तभी यान फील कर लेता है वो स्ट्रांग है, इसीलिए उसके साथ वाली लड़की को कहते हैं तैयार रहना मैं जब कहूँ तब भाग जाना, और उसके कहने पर वो भागती है। एंड वो डेमन से अटैक के लिए फिर जाते हैं, और उसे देखकर डेमन बोलता है तुम्हारे पास सैंड का स्ट्रांग फाउंडेशन है। तभी डेमन फुल फॉर्म में आते हैं, एंड बोन डीलर को उसके अभी भी बोन चाहिए, जिसके लिए वो एक्सटेंशन बोन अटैक यूज करते हैं, जिससे डिफेंस करते वक्त एक बोन यान को हिट करता है और वो वीक फील करते हैं, जहां डेमन आके कहता है अगर एक्सटेंशन बोन किसी को हिट हो गया तो उसका लाइफ स्ट्रेंथ डिक्रीज होते हैं, और तभी डेमन उस पर अटैक करते हैं। बट यान फाउंडेशन टेक्निक से वहां से भागते हैं और मेटियोर फॉल से अटैक करते हैं, एंड वो सोचते हैं क्या अटैक हिट किया, और उतने में डेमन पीछे आके बोलता है कहां देख रहे हो, और तभी उसी टाइम चुआंग आके अटैक करके उसे कहता है तुम कहां देख रहे हो।
तभी यान उसे कहता है वो स्ट्रांग है देख लेना, और तभी वो बोलता है क्या एक स्लैश में ठिकाना लगा जाएगा। और तभी उस लड़की के साथ एक स्लैश में क्या हुआ हमें देखने को मिलता है, और डीमन बोलता है फाइनली स्ट्रांग वन आ गया। और डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में खातिरदारी करने के लिए उसे थैंक्स बोलता है, एंड अभी उसके बारी है खातिरदारी करने की, एंड यान आके कहता है चलो साथ में चलते हैं। और तभी दोनों अटैक के लिए आते हैं और वो डीमन पूरे अटैक में बरबराते हैं, लाइक टाइगर डीमन को दोनों ने मारा जिससे वो कुछ और अरमान सजा रहा था, और उतने में अटैक भी चारों ओर से वो कर देता है। बट चुआंग उसके वाइंड पावर से टॉर्नेडो से अटैक करते हैं जिससे सारा बोन अटैक को रोकते हैं, और जिसमें डीमन भी आ जाते हैं, एंड यान उस पर घुस के फाउंडेशन टेक्निक फ्लाइंग स्टार से डीमन को जमीन पे पटक देता है। और तभी उसके माथे पे पैर रख के चुआंग कहता है पता है विलेन क्यों हारते हैं, ज्यादा बक बक करने के लिए। और तभी डीमन कहता है तुम मरोगे तुम्हें पता है, और चुआंग कुछ फिगर आउट करते उतने में कटे हुए हैंड चुआंग को अटैक करते हैं, और उस प्रिजन वाली लड़की जो कहती है आज फिर अनदर गाय को फूल बनाया, क्योंकि डीमन क्लान का सोल एक में यूनाइटेड है, अगर एक बकेट किक नहीं किया तो सब जिंदा रहेगा जो डीमन का वे है। चाह यान बहुत ही गुस्सा होते हैं एंड आंखों का मास्क खोलते हैं और साथ ही मिस्ट्रेस पावर को भी, और भाई मार्क माय वर्ड ही इज समथिंग एल्स। और उतने में चुआंग उठते हैं जिसके कारण वो पावर को एक्टिव नहीं करते हैं, और तभी चुआंग उनसे कहता है नाइस ऑलमोस्ट मेरे हार्ट तक पहुंच गए थे। तभी डीमन कहता है इस बार तेरा हार्ट को चीरेंगे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करते हैं, एंड व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसे देख के डीमन कहते हैं असंभव कैसे तुम फाउंडेशन पोस्चर में मास्टर हो सकते हो, तुम अभी बॉडीलेस रियल में हो। और कहते हैं मैं डीमन क्लैन का वाइस मास्टर हूँ, तेरा थंडर और शॉर्ट अटैक मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइट के दौरान और बकबकाते हैं जैसे कि उसके मसल स्टील और बोन आयरन लाइक है जिससे काट नहीं सकते, और चुआंग सच में उसे काट नहीं पाते, इसीलिए वो बोलता है चलो बॉडी को तो नहीं काट सकता बट सोल को तो काट ही सकता हूँ। एंड प्रिमोडियल सीक्रेट टेक्निक मूनशेक यूज करते हैं जो बहुत ही प्यारा है, एंड डीमन उसे कहता है तुम ऊपर हो तो क्या मुझे मार सकते हो, और तभी चुआंग कहता है मून से कभी टकराए हो क्या, और पूरा मून उस पर गिरा देते हैं। उसके बाद उसे ऐसे ही देखने को मिलता है एंड वो जश्न मनाते हैं कि उसे कुछ नहीं हुआ, और उतने में वो मिटने लगते हैं क्योंकि वो पूरे सोल को ही मिटा दिया, एंड भाई उसका खेल यहाँ खत्म होता है। बट चुआंग सो मच पावर यूज करते हैं जिसके कारण वो भी वीक होके गिर जाते हैं यान के सामने, जहाँ ये एपिसोड खत्म होते हैं। सो बाय यारो, ये एपिसोड एज यूजुअल बहुत ही ऑसम था, आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताना।